दोस्तों, अगर आप भी अच्छी मसल्स बनाना चाहते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, और आप सभी को पता है प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है, और हर किसी के पास पैसे नहीं होते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट लेने के लिए, तो आज का जो वीडियो है एग के रिलेटेड है। आप सभी को पता है एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन मेरा जो टॉपिक है एक दिन में आपको कितना अंडा खाना चाहिए और अंडे खाने का सही समय क्या है, और जिन लोगों को पिंपल्स है उन लोगों को अंडे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और खाना चाहिए तो किस तरह से खाना चाहिए, तो वो रिलेटेड मेरा टॉपिक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एक दिन में कितना अंडा आपको लेना है और अंडे खाने का सही समय क्या है, और जिन लोगों को पिंपल्स है उनको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और जो जिम करने वाले हैं उनको कब और कैसे खाएं, और जो वजन घटाना चाहते हैं उनको भी एग किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जब क्वेश्चन आता है आपको येलो वाला पार्ट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, आपको पता है एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, वो होल एग में होता है, और जो येलो वाला पार्ट होता है अंडे में वो उसके अंदर पाया जाता है फैट और विटामिन, और जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसके अंदर पाया जाता है प्रोटीन ओनली, जो लगभग 5 ग्राम के आसपास पाया जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है आपको येलो वाला पार्ट खाना चाहिए कि व्हाइट वाला पार्ट खाना चाहिए, और जिन लोगों को पिंपल्स है उन लोगों को किस तरह से एग को खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप एक अंडे में प्रोटीन, हेल्दी फैट और HDL कोलेस्ट्रॉल होता है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो फैट होता है और विटामिन होता है ये येलो वाले पार्ट में होता है, फैट और विटामिन येलो वाले पार्ट में होता है। अब मानव शरीर को लगभग 300 mg जो है HDL कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है एक दिन में, और एक अंडे में लगभग 187 HDL कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है जो एक येलो वाले पार्ट में मिलता है। तो आपको एक दिन में 2 येलो वाले पार्ट खाना है, यानी उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा नहीं खाना है, आप जो है मैक्सिमम 3 खा सकते हैं। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो अवॉइड ज़रूर करिए येलो वाले पार्ट, वो सिर्फ एक ही येलो पार्ट खाए, उससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी जो ब्लॉकेज की नली है वो ब्लॉकेज हो सकती है, जो आपकी ब्लड वाला जो सर्कुलेशन है वो ब्लॉकेज हो सकता है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो 30% यानी उससे ज़्यादा अवॉइड ना करें, एक दिन में एक ही येलो पार्ट आपको खाना है। अब जो लोग जिम जाते हैं, अब उन लोगों को मैं बता देता हूं आपको एग किस तरह से इस्तेमाल करना है, आपको येलो वाला पार्ट खाना चाहिए या आपको फ्राई वाला खाना चाहिए या आपको बॉयल किया हुआ खाना चाहिए, आपको बॉयल किया हुआ खाना चाहिए ब्रेकफास्ट में। अगर आप ब्रेकफास्ट में एग लेते हो तो आपको पूरे दिन में एनर्जी मिलती है और साथ ही साथ आपको भरपूर मात्रा में विटामिन मिलती है। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 येलो पार्ट खाना, उससे ज़्यादा आपको येलो पार्ट नहीं खाना है फ्रेंड्स, और आप जो है ब्रेकफास्ट में ही लीजिए एग। और दूसरी बात ये, आप वर्कआउट के बाद आप ले सकते 5 से 6 एग वाइट, जो बेहतर है। और फ्रेंड्स, अगर आप मसल्स बनाना चाहते हैं और बॉडी बनाना चाहते हैं तो आप जो है वर्कआउट के बाद लीजिए एग को, एग वाइट को। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अब सभी लोगों को क्वेश्चन आ रहा है अब कितना खाना चाहिए और मसल बनाने के लिए कितने एग खाना चाहिए, और एग वाइट खाना चाहिए और आपको जो येलो वाला पार्ट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पिंपल्स का प्रॉब्लम जरूर होता है। बहुत सारे लोग जो है पिंपल्स के प्रॉब्लम से परेशान है, वो येलो पार्ट खाएं या ना खाएं, और जो लोग व्हाइट वाला पार्ट भी खाते हैं उन लोगों को भी पिंपल्स का प्रॉब्लम होता है। अब किस तरह से आपको एग खाना चाहिए, कौन सा समय, आप जो एग वाइट है 10 से 12 खा सकते हैं अगर आपको हाई मसल्स बनानी है, तो आप जो है ये वर्कआउट के बाद ही खाइए, तभी जाके आपकी जो मसल्स है जो ड्यूरिंग द वर्कआउट के दौरान टूट जाती है, जो सेल्स टूट जाते हैं वो रिकवर होते हैं भरपूर प्रोटीन लेने से। अब बात करते हैं जिन लोगों को पिंपल्स हो रहे हैं, उन लोगों को 5 से 6 एग वाइट खाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उनको येलो वाला पार्ट जो है कभी भी नहीं खाना चाहिए। अभी जो है एक रिसर्च में पाया गया है, ऐसा साबित नहीं हुआ है कि जो लोग अंडा खाते हैं उनको पिंपल्स होता है, यानी कि एग का जो रीज़न है उनके वजह से ही उनको पिंपल्स होता है, ऐसा कुछ भी पाया नहीं गया। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर पाया गया है, एग के अंदर जो है आपको ऑयल प्रोड्यूस करता है, जिन लोगों को ऑयली स्किन है, जिन लोगों को पिंपल्स होता है वो एग खाते हैं तो उनके स्किन के अंदर जो है ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इसीलिए उनको जो है पिंपल्स ज़्यादा निकल आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हमको मसल्स बनानी है, हमारे पास पैसे नहीं प्रोटीन सप्लीमेंट लेने के लिए, तो हम लोग एग नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, तो आप क्या है येलो वाला पार्ट बिल्कुल भी मत खाइए, और दिन में है 5 से 6 एग वाइट ही यूज़ करें, और जिस टाइम पे पिंपल्स हो उस टाइम पे अवॉइड करिए एग को। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।